हेलो एवरीवन, आज हम मैथ मैजिक पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 2, चैप्टर 7, जॉब एंड मार्क्स। आगे देखेंगे वाटर इज यूजफुल, पानी है वो बहुत ज़रूरी है। बच्चों, हम पानी का यूज़ बहुत सारे जगह पे और बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। फाइंड आउट हाउ मच वाटर इन मग्स और बकेट्स इज यूज्ड इन योर हाउस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या करना है, यहाँ पे जो ड्राइंग्स नहीं है उसे देखना है और आपको बताना है कितने मग्स या फिर बकेट का आप यूज करते हो अपने घर पे। सबसे पहले किसका ड्राइंग है बच्चों? ये बच्चा है, वो बाथ ले रहा है, यानी कि नहाने के लिए आप कितने बकेट्स या फिर मग्स का यूज करते हो वो बताना है। यहाँ पे मैंने बकेट्स के बारे में बताया है, देखो यहाँ पे बकेट्स का यूज़ किया है, 1 और 2 बकेट्स। फिर नेक्स्ट, या क्या कर रहा है यहाँ पे, ये आदमी है वो कपड़े वॉश कर कर उसे सुखा रहा है। तो कपड़े वॉश करने के लिए आपको कितना पानी चाहिए होगा बच्चों? आप ये सारे डिटेल्स भी अपने घर पे पूछ कर भी लिख सकते हो। कपड़े सुखाने के लिए 2 और 3 बकेट्स। फिर देखो, ये वेसल साफ कर रही है, ये औरत है वो बर्तन साफ कर रही है, तो उसके लिए हमें कितना पानी चाहिए होगा? आप अपनी मम्मा से भी पूछ सकते हो, जैसे कि 1 और 1 to 2 बकेट, यानी कि 1 से 2 बकेट है उसमें सारे बर्तन है वो साफ हो जाए। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो ये लड़की है वो पानी पी रही है, तो पानी पीने के लिए कितना चाहिए होगा? 3 to 4 मग्स। बच्चों, हर एक का डिटेल है आप मग्स या फिर बकेट्स में लिख सकते हो और आप अपने फैमिली मेम्बर से भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट, गेस एंड देन फाइंड आउट। पहले गेस करना है, फिर हमें फाइंड करना है। ए, हाउ मेनी मग्स ऑफ वाटर फिल 1 बकेट। कितना वाटर आप यूज करोगे मग्स का, कितने मग्स यूज करोगे वाटर में जो आपको एक बकेट फिल करना है? एक बकेट में कितने मग्स आएंगे बच्चों? 20 to 25 मग्स। आप गेस भी कर सकते हो, फिर आप उसे मेजर भी कर सकते हो। आपको घर पे एक बकेट लेना है पहले, फिर आपको उसमें टर्न बाय टर्न मग से वो पानी का डालते जाना है और काउंट करना है। नेक्स्ट भी, हाउ मेनी बकेट्स ऑफ वाटर डू यू यूज टू टेक अ बाथ। आप कितने बकेट्स यूज करते हो बाथ लेने के लिए? बच्चों, हमने यहाँ पे आगे देखा था 1 और 2 बकेट्स, तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हो, 1 और 2 बकेट्स। नेक्स्ट सी, हाउ मेनी मग्स ऑफ वाटर डू यू यूज टू टेक अ बाथ। आप कितने मग्स वाटर का यूज करते हो बाथ लेने के लिए? देखो, एक बकेट में कितने मग्स है? 20 to 25। फिर क्या कहा है, कितने मग्स की जरूरत है बाथ लेने के लिए? यहाँ पे हमने बकेट्स लिया है बाथ लेने के लिए, तो आप वो यहाँ पे 1 और 2 दिया है, तो एक में कितना है? 20 to 25। तो 20 to 25, या फिर अगर आप 2 बकेट्स का यूज करते हो तो 40 to 45 मॉक्स आएगा। एक बकेट में कितना है? 20 to 25, और 2 बकेट में 40 to 45 मॉक्स यूज होगा। नेक्स्ट, हाउ मच वाटर विल फिल अ बलून। एक बलून है, उसमें आप कितना पानी है फिल कर सकते हो? देखो ये बलून है, उसमें आपको क्या करना है, गुब्बारे में पानी भरना है, तो आप एक मग ही उसमें फिल कर सकते हो। नेक्स्ट, हाउ मच वाटर इज नीडेड टू फिल अ वाटर गन, यानी कि पिचकारी। एक पिचकारी है, उसे फिल करने के लिए आपको कितने मग्स की ज़रूरत है? बच्चों, ये साइज पे डिपेंड हुआ, क्योंकि हर एक पिचकारी है वाटर गन है उसकी साइज डिफरेंट होगी। तो मैंने यहाँ पे मीडियम साइज का लिया है, तो उसमें 2 मग से वो पानी फिल हो जाएगा। नेक्स्ट, ये किसका ड्राइंग बच्चों? कैमल का ड्राइंग है। वो क्या कहता है, आई कैन ड्रिंक 9 बकेट्स ऑफ वाटर एट वन। मैं एक ही बार में कितना पानी पी सकता हूँ? 9 बकेट्स। हाउ मेनी बकेट्स कैन 2 कैमल्स ड्रिंक एट वंस। 2 कैमल है वो कितना पानी पी सकते हैं? एक कैमल का 9 बकेट है, दूसरे कैमल का भी 9 होगा, 9 प्लस 9 कितना होगा बच्चों? 18 बकेट्स।
यानी कि दो कैमल है वो 18 बकेट से पानी पी सकते हैं, पर यहाँ पे क्या कहा, एट वंस, एक ही बार में, दो दो कैमल, दोनों 99 ही वाटर, 99 बकेट ही वाटर ड्रिंक करेंगे, तो अगर दोनों साथ में पी रहे हैं तो टोटल 18 बकेट्स पानी चाहिए होगा, और दोनों है वो 99 बकेट्स पानी ड्रिंक करेंगे। थैंक यू।